एक तरफ जहां देश में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुंगावली में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। बता दें कि मुंगावली के मल्हारगढ़ चौकी पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, जहां कानून व्यवस्था संभालने वाले चौकी प्रभारी ने ही राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया। वहीं इस मामले में जब पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। हेलो, हाँ अरे कौन बोल रहे हो यार, तुम कौन बोल रहे हो यार? हाँ क्या क्या बात कर रहे हो, क्या होगा, मार दे जाके, क्या करें उसको, बोलो ना गोली मार दें क्या? तुम पांच बार फोन लगा रहे हो, बताया बात करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या गलती हुई है, बार बार तुम फोन लगा रहा है किस चीज में? अभी तो एक दो पहले फोन लगाया था, हेलो, हाँ तो आपको बता दें मुंगावली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिम्मेदार व्यक्ति जो है उसने झंडा जो है वो उल्टा फहरा दिया। इस तरह की एक गंभीर लापरवाही मुंगावली में देखने को मिली है, जहां जिम्मेदार अधिकारी ही तिरंगे को उल्टा फहरा रहे हैं। वहीं शिकायत की गई और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी बस कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंदेल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदेल, हम देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा जो है वो उल्टा फहराया गया है, क्या कुछ कार्रवाई और इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर जब इसके बारे में जब मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो एसडीओपी का तो फोन नहीं लगा, लेकिन जब एसपी से बात करना चाहिए तो एसपी ने इस पर वो बताया कि क्या उसमें जाकर गोली मार दे। इस पर संतुलित जवाब देने पर कोई भी अधिकारी नहीं बता रहे हैं, संतुलित जवाब कोई भी अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। और जब उन लोगों से भी पूछा गया तो उन जो थाना प्रभारी था वहाँ मल्हारगढ़ चौकी का, तो उन्होंने भी इस पर कोई जवाब देने से तरकरार करते हुए दरकिनार कर लिया। जंडेल, जैसे कि जिम्मेदार अधिकारी बोल रहे हैं कि क्या गोली मार दे, तो क्या इसके अलावा क्या कोई और उपाय नहीं है क्या? मतलब नहीं, किस तरह से जिम्मेदार अधिकारी बोल सकते हैं कि गोली मार दे, क्योंकि ये तिरंगे का अपमान है, देश का अपमान है ये तो? जी, जब मैंने इसी बात को लेकर जब एसपी से पूछा तो एसपी वो सीधे बोले कि मैं क्या उसमें जाकर गोली मार दूंगा, आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, जबकि मैंने एक ही बार कॉल किया था, मैंने बोला सर मैंने पहली बार कॉल किया आपके लिए, लेकिन उन्होंने संतोष जवाब ना देते हुए बोले फोन रखो। तो इसके बाद क्या जनरल आपने और कभी किसी और अधिकारी से बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये एक गंभीर लापरवाही है? जी, लापरवाही के चलते इस पर जानकारी लेना चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले से बचता हुआ नजर आ रहा है प्रत्येक अधिकारी। जंदेल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये तिरंगा फहराया गया तो क्या कोई और जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर नहीं था? नहीं, ये तो मामला, ये फोटो बाद में वायरल हुई है, जब तिरंगा फहराया गया तो पुलिस स्टाफ भी वहां पर मौजूद था। तो बहुत शुक्रिया जंदेल हमसे जुड़ने के लिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस पर। तो आपको बता दें मुंगावली में एक प्रशासन की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर उल्टा तिरंगा जो है वो फहरा दिया गया। वहीं इस मामले में जब जिम्मेदार अधिकारी से बात करने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने, तो वो कहते हुए नजर आए कि क्या करें, क्या हम उसे गोली मार दें, क्या इसके अलावा क्या जिम्मेदार अधिकारी के पास क्या और कोई रास्ता नहीं है, इस तरह से अगर है तो कुछ उसे करना चाहिए कि वो इस पूरे ही मामले को संज्ञान में ले। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए एसडीओपी श्वेता गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता जी, साधना न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्वेता जी, जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से ये पूरा ही मामला है, उल्टा तिरंगा फहराया गया है, क्या जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, बोल रहे हैं कि गोली मार देंगे, ऐसा क्यों? नहीं, ये जो भूलवश तिरंगा फहर गया था गलती से, उनने अपनी गलती स्वीकार की है और इसके द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अशोकनगर द्वारा उन्हें सजा, निंदा की सजा भी दी गई है चौकी पर, जिनके द्वारा गलती की गई थी। श्वेता जी, हम एक बार आपको ऑडियो सुना देते हैं जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद आप इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। अभी तो एक दो पहले फोन लगाया था,
सर। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो तुम, कौन बोल? हमारे संवाददाता ने जब जिम्मेदार अधिकारी से वहां पर बात की तो वो सीधा बोलते हुए आए हैं कि हम गोली मार देंगे। क्या ये एक सिर्फ गोली मारना ही रास्ता है? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? श्वेता जी, सुन पा रहे आप? श्वेता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो हमारे साथ एसडीओपी श्वेता गुप्ता जी जुड़ी हुई थी, जिनका कहना है कि अब जिसकी ये लापरवाही है उसने अपनी गलती मान ली है, लेकिन इस तरह की गंभीर लापरवाही, उल्टा तिरंगा फहराना, ये तो देश लापरवाही के साथ साथ देश का अपमान है। और जहां पर अगर एक व्यक्ति से चूक हो सकती है, लेकिन वहां पर इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद होंगे, क्या उनकी नज़र वहां तक नहीं गई होगी कि इसे सीधा कर दिया जाए? या ये तो एक देखा जाए कि लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, और अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है।